फोक्सवैगन के एनुअल ब्रांड कॉन्फ्रेंस पे आज हम बात कर रहे हैं आशीष गुप्ता, ब्रांड हेड फोक्सवैगन इंडिया के साथ। कैसा रहा है टाइगन और वर्टस का प्रदर्शन? अगर देखा जाए तो प्रदर्शन अच्छा ही है। वर्टस की अगर मैं वर्टस से शुरू करता हूँ, वर्टस की बात करें तो वर्टस तो ऑलरेडी एक सेगमेंट लीडर प्रोडक्ट हो गया है। लास्ट 6-7 महीने से हमारा सेगमेंट शेयर इज अपवर्ड ऑफ 25%। सो कार की एक्सेप्टेंस और कार की जो डिफ्रेंशिएटेड यू नो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट हुई है मार्केट में। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे खुशी देती है कि वर्टस ने एक ऐसी सेगमेंट को दोबारा जिंदा कर दिया जो यू नो वॉज अ डाइंग सेगमेंट। सो दैट्स समथिंग विच वी आर वेरी प्राउड ऑफ। टाइगन इज डूइंग रिलेटिवली वेल। कॉम्पिटिशन बहुत इंटेंस है उस सेगमेंट में। सो हमारा एंडेवर यही रहता है कि हम किस तरह से अपने यू नो SUV को रेलेवेंट रख सकें, उसको किस तरह से एनहांस कर सकें थ्रू फीचर्स और वेदर थ्रू एस्थेटिक डिज़ाइन और थ्रू न्यू लाइनअप। तो वो एंडेवर है। वेरी रिलेटिवली वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट बट कैन बी बेटर। 1.5 TSI इंजन की सेल्स कैसी रही है? अगर हमारी पोजीशनिंग की बात करें तो जब से हमने टाइगन और वर्टस लॉन्च किया है तो हमने अपनी पोजीशनिंग जो है वो 1.5 GT की इक्विटी के साथ हमने उसको यू नो लॉन्च किया है गाड़ियों का। और गाड़ियां भी बहुत डिफरेंशिएटेड है। अगर आप देखें टाइगन और वर्टस दोनों सेगमेंट्स में इस तरह का प्रोडक्ट था ही नहीं, राइट? सो हमने वर्चुअली एक सब सेगमेंट क्रिएट की ऑफ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स, राइट? वेदर इट वॉज ऑन द टाइगन विद द GT एंड द GT+ और ऑन द वर्टस विद द GT+ विच हैव बिकम क्लास लीडिंग। तो ये भी एक चीज़ बड़ी प्राउड है हमारे लिए कि हमने एक सब सेगमेंट क्रिएट किया जिसमें और भी अब नए प्लेयर्स आ रहे हैं एंड कस्टमर्स के पास अब एक चॉइस है टू गो फॉर रेगुलर कार्स और टू गो फॉर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स। हमारी फिलॉसफी हमेशा से ये रही है कि जो भी फोक्सवैगन हम अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं वो यू नो जर्मन इंजीनियरिंग दें, बिल्ड क्वालिटी दें, सेफ्टी दें और फन टू ड्राइव दें। तो फन टू ड्राइव के कारण यू नो विद दैट फिलॉसफी बोथ आवर इंजन्स वेदर इट इज़ 1 liter और 1.5 liter आर टर्बो चार्ज्ड इंजन्स विच इज़ नॉट पॉसिबल और विच इज़ नॉट मेड अवेलेबल बाय अदर मैन्युफैक्चरर्स। तो दोनों कार्स यू नो अफोर्डेबल भी हैं और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी हैं। सो दैट्स बीन आर स्ट्रैटेजी। अगर मैं शेयर की बात करूँ बोथ ऑन द टाइगन एंड वर्टस द 1.5 liter इज़ अराउंड 35-40% ऑफ आर मिक्स। स्पेशल एडिशंस सिर्फ टॉप वेरिएंट्स पर ही क्यों बेस्ड है? यू वांट टू ड्राइव कस्टमर्स इनटू योर शोरूम्स बट एट द सेम टाइम हमें ये भी बड़ा वी नो दिस वेरी वेल दैट इट्स नॉट दैट एवरी कस्टमर कैन अफोर्ड दोज काइंड ऑफ प्राइस पॉइंट्स व्हिच वी यू नो व्हिच आर सेलिंग वेल फॉर अस। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि जो आपका लाइनअप हो दैट हैज़ ऑप्शन फॉर एवरीबडी हुज कमिंग इनटू योर शोरूम और हुज इंटरेस्टेड इन बाइंग अ फोक्सवैगन। तो इसके लिए हमारे 1 liter पे मोर वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स के लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस है स्टार्टिंग फ्रॉम कंफर्ट लाइन टू हाई लाइन टू टॉप लाइन। और आज हमने अपने टॉप ऑफ द एंड जो हमारा GT का जो हमारा एक क्रेज़ है और GT के जो एलिमेंट्स हैं वो हम अपने 1 liter में लाए हैं विद द GT लाइन। दिस आई थिंक इज समथिंग विच इज़ अ मैरिज मेड इन हेवन ऑफ पीपल हु वॉन्ट परफॉर्मेंस एंड स्टाइल बट आर ऑल्सो वैल्यू कॉन्शियस। सो जो ये हमारी GT लाइन है दिस हैज़ अ वेरी स्पोर्टी अपील विद एक्सटीरियर ब्लैक एलिमेंट्स यू नो विद ब्लैक अलॉय व्हील्स इंटीरियर ऑल्सो एन ऑल ब्लैक थीम्ड इंटीरियर्स विद 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड बट एट अ प्राइस पॉइंट विच इज पोजीशन बिटवीन द हाई लाइन एंड टॉप लाइन ऑन द 1 liter। वर्टस और टाइगन के साथ ADAS मिलेगा? As far as adding features to the car is concerned, that's always an endeavor. आपको अपना अगर market में trend है, market में demand है, you have to continuously keep on, you know, evaluating various features and see whether that add value to your offering. तो वो तो हमारा endeavor हमेशा रहता है. But at the same time, अगर मैं देखूँ, हमारा focus as Volkswagen brand has been on what we call passive safety. You know, चाहे जो भी बाहर हो रहा है, passenger inside the car should be safe from every angle. That is what we first of all focus on, right? The other features which are, you know, active features, active safety features, whether it is ADAS or, you know, lane keeping or whatever, this is something which is add-on. Agar aapki car basically safe nahi hai, these features may not help end up helping you. So, humne pehle ensure kiya hai ki humari basic offering jo hai, jo fundamental hai, wo strong hai, which is also ratified with the 5-star GNCAP rating, which we are very proud of. But in terms of adding features, it is a continuous evaluation and at the right time, if the market needs it, we'll bring it. क्या फोक्सवैगन कोई 10 लाख रुपए से कम वाला मॉडल इंट्रोड्यूस करने वाली है? ये डिसीजन हम पिछले 4-5 साल में ले चुके हैं कि हम अपने ब्रांड की पोजीशनिंग यू नो वी आर वेरी क्लियर कि हम अपने ब्रांड को कैसे पोजीशन करना चाहते हैं। वी वांट टू बी यू नो व्हाट वी कॉल द टॉप ऑफ वॉल्यूम एट यू नो एट द प्रीमियम एंड ऑफ द सेगमेंट्स वी ऑपरेट इन। दैट्स हाउ वी आर पोजीशनड आवर कार्स, दैट्स हाउ वी आर आवर ब्रांड इज पोजीशनड ग्लोबली एंड दैट आई थिंक इज वर्किंग फॉर अस। यू नो वी हैव टू फाइंड आवर स्पेस एंड बी स्ट्रांग इन इट। ID4 EV से क्या उम्मीदें हैं?
मैं इसको एक एज आर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन देखता हूँ. इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि हम अपने ग्लोबल पोर्टफोलियो से गाड़ी इंडियन मार्केट में लाएँ टू टेस्ट द मार्केट, टू मेक श्योर दैट कस्टमर्स अंडरस्टैंड कि फोक्सवैगन का ग्लोबल स्ट्रेंथ क्या है इन इलेक्ट्रिफिकेशन, एंड देन टेक द नेक्स्ट स्टेप्स. यू नो दिस कार एज एन FBU मे नॉट ब्रिंग यू वॉल्यूम्स, बट इट गिव्स यू अ प्रेजेंस इन द इलेक्ट्रिक स्पेस. इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट द वाटर्स, एंड इट ऑल्सो गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर कस्टमर्स टू ट्राई व्हाट फोक्सवैगन कैन ऑफर. क्या पोलो GTI की कोई उम्मीद है? ये तो एक एज ए सेड मेरी भी एस्पिरेशन है. आई ऑल्सो वॉन्ट टू ओन अ पोलो GTI एंड द गोल्फ GTI, पर मिल नहीं रही है मार्केट में. इफ़ नॉट फॉर कस्टमर्स, मैं अपने लिए तो लाना ही चाहता हूँ, बट डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड वेयर द कस्टमर्स आर कमिंग फ्रॉम. देर इज़ अ साइजेबल एंथुजियास्ट कम्युनिटी जो कि यू नो हु लव आर कार्स, स्पेशली द GTI बैज. तो यस, वी आर इवेलुएटिंग.